तो भाई लोग, सबसे पहले आप सबको जय श्री राम। कमेंट में सबसे पहले जय श्री राम लिख देना और वीडियो को ना लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फाइनली कंगुआ का जो ट्रेलर है वो आउट हो चुका है, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात करी थी कि ट्रेलर आउट होगा तो कैसे होगा। मैं शायद बता नहीं पाया था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन अभी जो ट्रेलर फाइनली आउट हुआ है तो बात करते हैं उसके बारे में कि आखिर ट्रेलर है कैसा। ट्रेलर एकदम क्लासिक तोड़ू फोड़ू है, और मैं सच बता रहा हूँ, ये एक तरीके से आप बोल सकते हो सकता है कि ये जो फिल्म है आने वाले टाइम पे एक हिस्ट्री भी क्रिएट करने में सफल हो जाए। काफ़ी अच्छा ट्रेलर है, काफ़ी इम्प्रेसिव है, और उसके बाद में जो चाहे वीडियो क्वालिटी हो या फिर BGM या फिर एक्शन सीक्वेंसेस या फिर VFX लेवल, सब कुछ तोड़ू फोड़ू फाड़ लेवल का इन लोगों ने ना बना रखा है। सच बोलूँ तो काफ़ी इम्प्रेसिव ट्रेलर है कंगुआ का, जो मेरे को लगा। एक्शन सीक्वेंसेस कमाल के हैं, इवन क्लासिक तोड़ू फोड़ू ट्रेलर मेरे को ये लगा। उसके बाद में सूर्या सर की एक्टिंग, लॉर्ड बॉबी देओल का वो जो एक विलेन वाला जो करेक्टर है वो, और ये मारधाड़ वाला जो सीक्वेंस है, ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ ट्रेलर की, जो बिल्डअप क्वालिटी है या फिर BGM म्यूजिक है, एवन क्लासिक तोड़ू फोड़ू किसी में कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। जैसे कि आप अभी तक मैं आप लोगों के साथ बात करते हुए आ रहा था कि सूर्या सर के एक दो बयान ऐसे आए कि वो ट्रेलर में या फिर मूवी के अंदर जो भी है कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। ट्रेलर को देखने के बाद वो जो चीज़ है यहाँ पर झलकती है वो दिखती भी है कि एक्चुअल में वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। तो क्यों नहीं करना चाहते हैं, वो जो उस चीज़ का असर है, उस चीज़ का जो असर है वो यहाँ पर दिखता है ट्रेलर के अंदर। 10 अक्टूबर को जो मूवी है वो आउट होगी, तो तभी ना बात करेंगे और ज़्यादा इस मूवी के बारे में। तो अभी के लिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय।